ये है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, और ये है नॉर्मल विनेगर, जो आम सिरका हम घरों में यूज़ करते हैं। सेब के सिरके से माना जाता है, हमें बताया जाता है कि इससे डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, पेंक्रियाज इसका स्टिमुलेट होता है और हमारा डायबिटीज़ ठीक होती है, इससे हमारा फैटी लिवर ठीक हो जाता है, इससे हार्ट प्रॉब्लम्स में हेल्प मिलती है, इससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, कई प्रकार के कैंसर को हटाने में इसका फायदा देता है, और कई बार वेट लॉस में इसको बहुत प्रमोट किया जाता है कि इससे वेट लॉस होने में बहुत ही सहायता मिलती है। इसमें क्या-क्या फायदे हैं? एप्पल साइडर विनेगर और नॉर्मल विनेगर में अंतर क्या है? क्या इसका कोई प्रूफ है कि एप्पल साइडर विनेगर हमें फायदा देता है? और क्या-क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर हम लंबे टाइम तक ज़्यादा क्वांटिटी में इसको लेते रहें? इसके बारे में हम आज बात करेंगे। मैं आपको आज बताऊंगा कि एप्पल साइडर विनेगर का फायदा है या नुकसान है। और दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर, जो कोई भी विनेगर होता है, उसमें जो मेन होता है वो होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक तरह का तेजाब है बेसिकली, और ये जो तेजाब है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेसिकली, लेकिन सिरके के बीच में इसकी डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही कम डाइल्यूटेड अमाउंट में होता है, तो इसलिए ये हमें पेट को जला नहीं देता, पेट को गला नहीं देता। अदरवाइज जो एसिटिक एसिड है वो बेसिकली क्या है कि वो एसिटिक एसिड एक तरह का डिसइन्फेक्टेंट है। इसको हम इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कान के अंदर अगर हमें इन्फेक्शन हो जाती है, बाहर के एरिया में, इंटरनल ईयर में नहीं, तो उसको भी एसिटिक एसिड अप्लाई करके ठीक किया जाता है। पहले बहुत सारे बीमारियों में, इवन कैंसर में भी इसका यूज़ इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो सेब का सिरका है ये सेब से बनता है। नॉर्मल सिरका जो है वो जो अलग जौ वगैरह अलग चीज़ों से बनता है, इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो एसिटिक एसिड ही होता है। तो एसिटिक एसिड या विनेगर का जो बेसिकली इसका रैट्स के अंदर, चूहों के बीज में एक शोध किया गया, उसमें ये देखा गया कि चूहों की, अगर चूहों को खाने के साथ एसिटिक एसिड दिया जाता है तो, या विनेगर दिया जाता है, तो उनकी शुगर लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ते, उनमें कंट्रोल थोड़ा बहुत आता है, और उनके 6 महीने का, जो 3 महीने का एवरेज होता है HbA1c लेवल, उसमें भी अंतर आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एप्पल साइडर विनेगर खा रहे हो तो साथ में आपने अपना दवाइयाँ शुगर की बंद करके बैठ जाओगे, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर नॉर्मली जैसे लेते हैं, लोग खाली पेट ले लेते हैं या रात को सोते टाइम ले लेते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं देखा गया। ये शुगर में भी जो हल्का फुल्का बेनिफिट है वो भी हमें तब पता चलता है अगर हम खाने के साथ यूज़ करते हैं, और चाहे वो एप्पल साइडर विनेगर हो चाहे वो नॉर्मल विनेगर हो, दोनों का इफेक्ट बराबर माना जाता है। दूसरा, विनेगर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यूरिक एसिड को थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लेकिन इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये समझने की बात है कि आप दोनों में से कोई भी विनेगर यूज़ करिए, और उससे ज़्यादा इफेक्ट किसका होगा? अच्छी डाइट का और एक्सरसाइज का। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी स्लीप लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो शुगर ज़्यादा कंट्रोल आएगी। एप्पल साइडर विनेगर आप लोगे तो इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम ऐसी चीज़ें जो हैं बाज़ार में मिलती हैं और उनको हम यूज़ करते हैं, परहेज़ नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। अब बात आई दोस्तों साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं एप्पल साइडर विनेगर या दूसरा विनेगर, हम रेगुलर हमेशा अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते रहेंगे तो हमें पोटाशियम डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। पोटाशियम कम होना हमारे हार्ट के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा पाया गया है, जो लोगों ने सिरके का बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक उपयोग लिया किया, तो उसमें जो है इसका लंबे टाइम तक सिरका उपयोग करने वालों की हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गई हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बेच दी जाती हैं मार्केट में, उसको उनका हाइप करके कि भाई ये चीज़ फलां चीज़ जो है ये, इसका ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है। एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है, कोई भी सिरका आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको करना क्या है, इसको खाने के साथ खाइए, इसको सैलेड में डाल के खाइए, इसको अदरवाइज़ आप खाने के साथ पानी के ग्लास में एक ढक्कन डाल के वो भी पी सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा बजाय कि खाली पेट खाने के या रात को खाने के लिए। तो आपको, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने ये चीज़ें ऐसी खरीद खरीद के खानी है या नहीं खानी, या अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए आपने एक्सरसाइज और अच्छी डाइट का सहारा लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर मेरे संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप केवल व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।